ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 15 जनवरी 2021, फ्राइडे है, सुबह के 8:39 हो रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, और कल हमने देखा वीकली एक्सपायरी के दिन एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हुआ। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 14 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,590 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,543। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन ही हुआ ब्रेकडाउन लेवल के पास, कुछ समय यहाँ बिताने के बाद ये टूवर्ड साउथ की तरफ जैसे ही मूव हुआ तो फर्स्ट टारगेट 14,522 ये यहाँ पर अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 14,503 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। इसके बाद इसने जो बाउंस बैक यहाँ से दिखाया, तो फर्स्ट इसने सेकेंड टारगेट के पास सपोर्ट टेस्ट किया, फिर जो बाउंस बैक दिखाया तो ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। दो बार इसने पेनेट्रेट किया इस लेवल को, और जैसे ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर दिया, फर्स्ट टारगेट 14,612 अचीव हुआ एग्जैक्ट इसी लेवल के पास। इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर ही ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के पहले हालत देख लेते हैं। अमेरिकी बाजार में भी एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। नासडैक कल हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखें तो कल हरे निशान में बंद हुए। यूके में लॉकडाउन चल रहा है, फेब्रुआरी मिड तक ये लॉकडाउन चलने वाला है। एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी दिखा रहा है, 25 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, और जापानीज इंडेक्स 59 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। बजट से पहले हमने कई बार देखा है कि निफ्टी इंडेक्स में एक साइडवेज पैटर्न रहता है, बजट के बाद एक नई रैली शुरू होती है। तो बजट के पहले हो सकता है एक साइडवेज पैटर्न में हमें निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखे। डाउ फ्यूचर को देखे तो 50 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। अभी भी यहाँ पर ये जो बोरिंग कैंडल बना है 8 जनवरी का, इसका हाई और लो इसने ब्रेक नहीं किया, लगातार ये पांचवा दिन है इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से भी एक साइडवेज पैटर्न के संकेत आ रहे हैं। अगर इस साइडवेज पैटर्न को ब्रेक करे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ अपर बैंड या लोअर बैंड को ब्रेक करता है कम्फर्टेबली, तो ही हमें आने वाले नेक्स्ट ट्रेंड का कन्फर्मेशन मिल सकता है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में जैसे कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हम फॉलो कर रहे हैं, अभी अनचार्टेड टेरिटरी में इस वक्त निफ्टी इंडेक्स है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा 150 का ये जो लेवल है 14,605, यहाँ पर एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और नीचे 138.2% का जो कि 14,489 के आसपास है वहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया, और इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है। नीचे आरएसआई भी देखे तो ओवरबॉट जोन में है, 7200 ओवरबॉट जोन माना जाता है, और कल हमने देखा था यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न बना है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन के लिए इसको इसका लो जो है ये ब्रेक करना होगा। अभी इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है कल, यानी हाई और लो के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से फिर करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन पास्ट में हमने देखा है हैंगिंग मैन बनने के बाद भी यहाँ पर ये इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाता, और इतना बुलिश मार्केट है कि ज़बरदस्त अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, हाई या फिर लो ब्रेक होता है तभी आने वाले ट्रेंड के बारे में कन्फर्मेशन मिल सकता है, और तभी पोजिशन बनाना सही साबित होगा। तो ये फिलहाल अभी डेली चार्ट का सिनेरियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में।
इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर आर्ली चार्ट में क्लियरली आप देख सकते हैं कैसे 14,590 का जो लेवल था ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, जस्ट हमारा ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल था 14,605, इसको 3 आर, ये 3 आर्स कंटिन्यू पेनेट्रेट कर रहा था, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो आज इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हो सकती है ब्रेकआउट लेवल, ये देखते हैं। अगर पहले तो हम यहाँ पर ये जो कल करेक्शन आया था इसके लिए ये कहाँ तक और करेक्शन दिखा सकता है इसको अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम इस लो और हाई को पकड़ के ड्रॉ करें तो 23.6% का ये जो लेवल है 14,488, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो अभी 23.6% का ये जो लेवल है ये करेक्शन आगे अगर बढ़ता है तो इस लेवल को इसको ब्रेक करना होगा टूवर्ड साउथ की तरफ, तो यहाँ से करेक्शन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा 14,386 के पास। अदरवाइज अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें आर्ली चार्ट में, जो हमें लास्ट स्विंग हाई लो मिल रहा है, ये लो ये हाई को पकड़ा और ये लो को पकड़ा, तो आप देख सकते हैं 23.6% का ये जो लेवल है 14,600 के पास आ रहा है। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो दो हर्डल्स है, एक तो ये प्रीवियस डे का हाई है यहाँ पर जहाँ से ये फॉल आते हुए देखा था, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये एक हर्डल है। उसके बाद R1 का पिवट पॉइंट का भी हर्डल है जो कि ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आ रहा है। ये दो लेवल्स को अगर ब्रेक करें ऊपर की तरफ तो ही हमें 14,700 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आज हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल होगा कल का हाई जो कि ऑलमोस्ट 14,620 के पास है, इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 14,637, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,651, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पीवट पॉइंट का ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, एक 3 दिन पहले ऑलमोस्ट क्लोजिंग लेवल भी वहाँ पर ही है, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 14,561 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,542, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,525, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।